यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को थार देने के लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को अपनी चुनावी विजय रथ लेकर बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर अपना निशाना साधा। अपनी जनसभा में क्या कुछ कहा अखिलेश यादव, न्याय आपको सुनाते हैं। इनका विकास तो हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है, इनका विकास तस्वीरों में पकड़ा गया, इनके विज्ञापनों में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा एक विज्ञापन निकाला तो कलकत्ता का जो फ्लाईओवर है वो विज्ञापन में ले आए कि वो भाजपाइयों ने बनाया है। उसके बाद कारखाने, आपके यहां तो नहीं लगे कारखाने, कोई कारखाना लगा हो तो बताओ हमें, कोई कारखाना नहीं लगा। अमेरिका की तस्वीर चुरा के ला गए, बोले कि ये कारखाने लगे हैं। अभी आए थे यहां भाजपाई लोग, बांध की तस्वीर दिखा रहे थे, वो बुंदेलखंड का बांध नहीं था, वो कहीं और का बांध था जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं, विज्ञापन में भी। जिन्होंने विज्ञापन झूठे दिखाए हों, सपने झूठे दिखाए हों, उनको बाहर का रास्ता दिखाना है इस बार। खाद नहीं किसान को, डीएपी नहीं, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और सरकार ने जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया, अन्ना जानवरों को भी खुजा छोड़ दिया। मेहनत करके अगर किसान अपनी फसल भी तैयार कर ले, लेकिन उसे रातों रात जग कर करके अन्ना पशुओं से अपनी खेती बचानी पड़ रही है। जहां खेती बचानी पड़ रही भाई, सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं, बुल, उन बुलों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। वो दिन याद करो हमारे बुंदेलखंड के लोगों, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जिस समय कोरोना की महामारी में घरों में कैद कर दिया था, हमारे आपके बीच के भाई जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, कितना मजबूरी में लौट करके आए। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मदद नहीं की, हमारे मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। कैसे लोग चल करके आए, पैदल पैदल भूखे प्यासे चलते चले गए। यही पुलिस के लोगों ने वसूला, तब जाकर के ट्रक में बैठने दिया।